सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हैं बैद्यनाथ टीवीएस एंड आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं अपाची आरटीआर 204V के ऊपर, जो हमारा OBD2 सेटअप करके आई है। तो OBD2 क्या है वो आप लोगों को पता है, 2023 में नया नॉर्म्स आया है बाइक्स लेकर। तो OBD2 इसमें आपको समझो इंस्टॉल करके मिला है, जिसके कारण बाइक और रिफाइन होगी। हालांकि ये वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा फ्यूचर की तो बाइक है ही, बोलेगा फीचर्स लोडेड, अच्छी खासी फीचर्स इसमें लोडेड है। एंड जो ये वाला सेगमेंट है 200cc सेगमेंट में, इसमें डिफरेंट राइडिंग मोड्स वगैरह भी आपको प्रेजेंट किए गए। तो समझ जाओ भाई, ये फर्स्ट है इन द सेगमेंट कि आपको राइडिंग मोड्स भी मिल जा रहा है 200cc कैटेगरी में, साथ साथ एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन वगैरह सब कुछ मिल जा रहा है। और भी बहुत सारे फीचर्स है, लाइक इसमें FI दिया हुआ है, LED DRL दिया हुआ है, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, ब्लूटूथ है जिससे आप स्मार्टफोन कनेक्ट करके अपनी बाइक का एनालिटिक वगैरह निकाल सकते हो। और बाकी अगर देखा जाए तो कॉल नोटिफिकेशन वगैरह, मैसेज अलर्ट, टर्न बाई टर्न नेविगेशन वगैरह सब कुछ आप पता कर सकते हो ब्लूटूथ कनेक्ट करके। तो मैं बोलूँगा ये काफ़ी तगड़ा फीचर है। और 3 राइडिंग मोड्स, अर्बन, रेन एंड स्पोर्ट्स, जो आपको पता है। तो चलो अभी स्टार्ट करते फ्रंट से। फ्रंट में आपको देखो ऑल LED हेडलैम्प आपको सेटअप मिल रहा है LED DRLs के साथ, एंड इसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो भाई कंप्लीट। यहाँ देखो एक एडिशनल स्विच आपको दिया गया कंप्लीट, फेस बहुत ही सही लग रहा है। एंड राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स जैसे देखोगे, बल्ब वगैरह कंप्लीट आपको दिया हुआ इंडिकेटर्स में। और स्मार्टफोन कनेक्ट का फीचर आप जो मिल रहा है उसका एक स्टिकर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये हो गया स्टिकर के रिगार्डिंग। साइड अगर बॉडी देखोगे भाई कंप्लीट आपको ब्लैक कलर में ये ग्राफिक वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है भाई। और फ्रंट हेडलैम्प कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। फ्रंट हेडलैम्प तो भाई चेंज हुआ था, सेम आपको 200 में मिल रहा है। बाकी इस साइड से भी देखो, यहाँ पे एक ट्राई कलर का एक फ्लैग आपको मिल जाता है। और सस्पेंशन की बात करें, फ्रंट में शोभा का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको दिया हुआ है जो कि एडजस्टेबल है। ABS की बात करें तो इसमें दो मॉडल आता है, एक सिंगल चैनल ABS एंड डुअल चैनल ABS, दोनों का प्राइसिंग वगैरह अलग है। और ये वाला आपका डुअल चैनल ABS के साथ है, तो ABS DC RLP वगैरह मार्क आप देख ही रहे हो। और फ्रंट का डिस्क हो गया, ABS रिम हो गया, फ्रंट के कैलिपर्स जैसा गोल्ड में आपको सस्पेंशन फ्रंट का मिल रहा है, सेम वही कलर में वो कैलिपर वगैरह मिल रहा है। अराउंड 270mm का फ्रंट का पेटल डिस्क है, एंड रेयर वाला जो है वो आपको 240mm का। और टायर्स की बात करें अगर फ्रंट के, तो 90x90 का टायर है, 17 inches का एलॉय व्हील है। एलॉय डिज़ाइन भी आप देखो सही लग रहा है, एलॉय का डिज़ाइन भाई कंप्लीट, थोड़ा सा तगड़ा लुक लग रहा है इसके डिज़ाइन का, बेबलेट टाइप का लुक जैसा आप देख रहे हो कंप्लीट। और फ्रंट मडगार्ड की बात करें, फ्रंट मडगार्ड देखो यहाँ पे आपको TVS रेसिंग वगैरह का मार्क दिख जाएगा। और साथ साथ कलर्स आप देखोगे तो DC RLP यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको ग्लॉस में है, ये आपका मैट में, और बाकी ये पोर्शन एक्स्ट्रा एक दिया हुआ है ये भी मैट में। तो ये हो गया कंप्लीट फ्रंट एंड। आते हैं आपका हैंडल पोर्शन में, तो क्लिप ऑन हैंडल बार सब कंप्लीट दिया हुआ है। इंटर करते हैं स्टार्ट, ऐसा देखो गियर अप करके आएगा, जिसमें न्यूट्रल का इंडिकेटर, ब्लूटूथ का साइन। तो आई बटन से आप प्रॉपर ब्लूटूथ वगैरह इसमें कनेक्ट कर सकते हो, आराम से आप ब्लूटूथ कनेक्ट करो। एंड जो राइडिंग स्टार्ट्स होता है, एनालिटिक्स वगैरह होता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन होता है, वो सब कुछ आप अपना ब्लूटूथ से कंट्रोल कर सकते हो भाई। बाकी यहाँ पे एक मोड का बटन दिया हुआ है, जिससे आप क्लिक करके डिफरेंट राइडिंग मोड्स, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट्स मोड पे आ सकते हो भाई कंप्लीट। ऐसे देखो स्पोर्ट्स, यहाँ पे रेन एंड एक अर्बन, तो ये हो गया। बाकी हैंडल में आपको यहाँ पे पास लेट का ऑप्शन मिल जा रहा है, जो कि आपका फ्रंट LED हेडलैम्प इसे देख रहे हो कंप्लीट हो गया। और ये हाई बिन, लो बिन, एडिशनल बटन जो ब्लूटूथ के लिए वो, राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स, हॉर्न हो गया, और हॉर्न भी काफ़ी तगड़ा दिया हुआ है। बाकी ये आप एक स्विच दिया हुआ है जिससे फ्रंट हेडलैम्प को कंट्रोल करो, किल स्विच है, इग्नाइशन। और साथ साथ आपको एडजस्टेबल लीवर्स दिए गए हैं, 3-स्टेप एडजस्टेबल लीवर। मैं जैसा आपको बता रहा था, इतना फीचर आपको कोई भी 200cc कैटेगरी की बाइक में नहीं मिलेगा, जितना आपको अपाची RTR 204V प्रोवाइड करता है। बाकी यहाँ से भी एडजस्टेबल लीवर्स आप देख सकते हो, बेसिकली इस लीवर को आप एडजस्ट करके आपका पाम, मतलब जैसा आप ब्रेकिंग्स करते हो जितना दूर तक जाता है वो आप लोग एडजस्ट करके आराम से यूज़ कर सकते हो। आते मीटर पे, तो ये तो रहा RPM मीटर, स्पीडोमीटर, एवरेज स्पीड वगैरह दिखाएगा, लैप टाइमर दिखाएगा, हाई स्पीड रिकॉर्ड दिखाएगा, 0 to 60 वगैरह, ट्रिप है, ट्रिप भी ट्रिप है समझ सकते हो, टाइम यहाँ दिखा रहा है, लो फ्यूल दिखा रहा है, ABS का लाइट, राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स का, लो फ्यूल का, न्यूट्रल का लाइट, आपको सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। और एस बटन से आप नेक्स्ट सर्विस, एवरेज स्पीड वगैरह पता कर सकते हो भाई। तो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट फीचर्ड लोडेड मोटरसाइकिल है अपाची RTR 200।
अब आते हैं इसके टैंक में। तो टैंक अब जैसा देख रहे हो कंप्लीट बाय हॉर्स का लोगो वगैरह, एंड साइड से देखोगे तो आरटीआर वगैरह का मार्क वगैरह कंप्लीट आपको दिख जाएगा। बाकी आप ग्राफिक वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप का, मतलब खूबसूरत लग रहा है टैंक यार। अराउंड आपको समझो 12 लीटर का टैंक कैपेसिटी है एंड 37 किलोमीटर पर लीटर आपको कंपनी क्लेम करती है माइलेज के रिगार्डिंग। टैंक में बीच में एक रेड मार्क, राइट लेफ्ट में ग्लॉस में ब्लैक, और यहाँ पे आरटीआर 200 का लोगो आप देख सकते हो। बाकी अपोजिट साइड से भी आपको टैंक दिखा देते हैं, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। साइड से जो टैंक देख रहे हो, मतलब बाइक ऐसा नहीं है कि फीचर से ही सिर्फ लोडेड है, इसके लुक्स में भी बहुत ही सही लग रही है, लुक्स बहुत ही खूबसूरत है। साइड से देखो यहाँ पे आरटीआर वगैरह का मार्क और हॉर्स का लोगो वगैरह कंप्लीट आपको दिया गया। नीचे आते हैं तो नीचे बेंड पाइप में आपको कैट कैन वगैरह सब कुछ दिखाया जाएगा। आरटी स्लीपर क्लच आपको मिल रहा है जिसका स्टिकर आप यहाँ पे देख सकते हो। नीचे इंजन का काउल हो गया। इंजन की बात करें कंप्लीट ब्लैक कलर्ड का इंजन है टीवीएस का। ऑब्वियसली भाई टीवीएस की बाइक है तो टीवीएस का इंजन रहेगा ही। 197.7 सीसी का इंजन, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड, और समझो 20.82 पीएस का पावर एंड 17.25 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको मिलेगा। लेकिन वो मिलेगा आपको स्पोर्ट्स मोड में, जो कि इसका सबसे ज़्यादा पावर ये प्रोड्यूस करेगा स्पोर्ट्स मोड में। उसके बाद रेन और अर्बन में आपको थोड़ा सा पावर डिक्रीज हो जाएगा, लाइक 17.32 पीएस एंड 16.51 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इसका जो ईबीएस है, जिसका जो पावर डिलीवरी है, जो एक्सेलरेशन है, वो तीनों मोड्स में अलग अलग है भाई। तो इतना फीचर से लोडेड तो मैं नहीं जानता कि कोई और 200 सीसी मोटरसाइकिल है एक्सेप्ट द अपाची आरटीआर 204V। बाकी ये साइड से भी देख लो गियर वगैरह, गियर पोजिशन इंडिकेटर भी आपको देखा राइट, और साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है एंड आपका मेन स्टैंड है। तो समझ सकते हो अच्छी खासी लोडिंग जिसमें दी गई है। थोड़े बहुत डायमेंशन को और डिफाइन करें तो आपको 800mm का सीट हाइट, 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड 152kg की आपकी ये वाली मोटरसाइकिल आपको मिलती है। बाकी स्प्लिट सीट है भाई, सेकेंड सीट खोलने का ऑप्शन आपको यहाँ से दिया गया। सीट भी काफ़ी तगड़ी है। मीटर जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार स्टार्ट करके दिखाते हैं भाई, अगर स्टार्ट हो गई तो अच्छी बात है। गियर पोजिशन इंडिकेटर में अभी तो न्यूट्रल हमें शो हो रहा है। चलो अच्छी खासी बेस में साउंड है भाई। बहुत भारी साउंड है लिटरली। चलो करते हैं बंद। अच्छी खासी भारी साउंड है, एक बार की दिखाते हैं। तो की भी देखो यार, काफ़ी खूबसूरत की है भाई। ये वाली की आपको जनरली आरएस और आरसी में मैंने देखा था, अब तो यार मैक्सिमम बाइक्स में मिलते जा रही, तो अच्छी बात है भाई। और बाकी हमारे स्प्लिट सीट जो ऑप्शन हमने बताया, नीचे में आप देखोगे यहाँ पे मैट में कंप्लीट अपाची लिखा हुआ है। बाकी सारे लीवर्स वगैरह हो, फ्रंट के फुटपैक जैसा आपको पता है फ्लेक्सीबल और रेयर के लॉक हो जाएंगे। मैट ब्लैक में कंप्लीट आपको एग्जॉस्ट नोट दिया हुआ है, उसके ऊपर एक प्लेट एंड सीट तो हम लोगों ने बताया, अच्छी खासी कुशनिंग भी है। मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिलता है, सेम कंपनी का जो सस्पेंशन फ्रंट में शोभा का आपको रेयर में भी मिल जाता है। टायर्स की बात करें रेयर की, तो रेयर में अराउंड आपको 130 का टायर मिल रहा है, 17x30x70 का, और 17 इंचेस का एलॉय व्हील है। टायर हगर हो गया, रेयर का डिस्क एंड एबीएस रिम एंड रेयर का कैलिपर्स वगैरह सब कुछ भाई। बाकी बात अपोजिट साइड से आपको और दिखाते हैं, उधर में साड़ी केज वगैरह जो लेडी को हेल्प करेगा भाई, आपकी मम्मी वगैरह बैठेगी तो उनको हेल्प करेगा। कंप्लीट साड़ी केज वगैरह प्रॉपर से आपको दिया हुआ है। और चेन में आपका मतलब कि ओपन चेन है, तो थोड़ा सा बारिश वगैरह में गंदा तो होता ही है, तो साफ़ सफाई करते रहना भाई। और आपको टेल सेक्शन अब दिखा देते हैं। टेल सेक्शन देखो भाई, कंप्लीट सही टेल लग रहा है, छोटा सा टेल है एंड बाकी आप यहाँ से देख सकते हो प्रॉपर वाला आपको फिजिबल हो रहा होगा, इंडिकेटर्स वगैरह एंड टेल लाइट वगैरह। तो ओवरऑल बाइक बहुत ही गजब की है यार, नो डाउट, बड़ा मज़ा आएगा चलाने में भी। और इसका दो वेरिएंट आता है, एक सिंगल चैनल ईबीएस के साथ, एक डुअल चैनल ईबीएस के साथ। ये वाला आपको डुअल चैनल ईबीएस है, तो चलो दोनों का प्राइस आपको पूछते हैं एंड बताते हैं क्या पड़ रहा है हमें बैद्यनाथ टीवीएस में। का जो ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा बैद्यनाथ टीवीएस में, और जैसे मैंने बताया ये आपका डुअल चैनल ईबीएस है, तो आपको 161,909 है। बाकी सिंगल चैनल के लिए आपको 160,249 पे करना होगा, मतलब समझ जो है अराउंड 1 से 2 हज़ार का अंतर है, मतलब करीब करीब 1500-1700 का अंतर जिसमें आपको सिंगल चैनल या डुअल चैनल मिलेगी। तो मैं तो बोलूँगा भाई डुअल चैनल ईबीएस उठाओ, पूरे ब्रेकिंग से मज़े लो। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितना फीचर्स आपको ये वाली बाइक में मिल रहा है ना अपाची आरटीआर 204V में, उतना आपको
कोई बाइक में नहीं मिलेगा रिगार्डिंग द एडजस्टेबल सस्पेंशन, रिगार्डिंग द राइडिंग मोड्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, LED सेगमेंट्स जो दिए गए हैं, साथ साथ इनफैक्ट इसका जो राइडिंग मोड्स है उसमें भी पावर डिलीवरी अलग अलग है और माइलेज तो आपको पता है उसी टाइप से मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा पावर आपको अर्बन में मिलेगा, अर्बन एंड रेन में, एंड स्पोर्ट्स में थोड़ा सा कम माइलेज मिलेगा क्योंकि भाई स्पोर्ट्स में पूरा इंजन पूरा तगड़ा वाला रिलीज करने वाली पावर, और बाकी एडजस्टेबल लीवर्स वगैरह, मतलब इतने फीचर्स इसमें हैं कि लिटरली वन ऑफ द मोस्ट फीचर लोडेड बाइक्स ऑफ इंडिया में कह सकता हूँ अंडर 200 सीसी कैटेगरी। तो चलो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना हमें कैसा लगा इसका रिव्यू एंड कैसा लगा ये वाला बाइक। चलो थैंक यू।